और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र का एक मूर्त रूप उत्तर प्रदेश को देने के लिए, उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह 2रे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6वें स्थान पर थी, आज वह 2री अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है।